जरीन खान ही नहीं इन हीरोइनों के सलमान खान ने कराई बॉलीवुड में एंट्री, फिर भी करियर का बंटाधार। बॉलीवुड में सलमान खान को कुछ स्टार्स अपना गॉडफादर मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे एक्टर एक रेस को दबंग खान ने ही लॉन्च किया है। सलमान का हाथ भले ही इन स्टार्स के सिर पर हो, लेकिन यह स्टार्स बॉलीवुड में सुपर फ्लॉप में गिने जाते हैं, जिसमें जरीन खान का नाम भी शामिल है। तो चलिए जरीन खान के बर्थडे हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिन्हें बॉलीवुड के भाईजान का साथ तो मिला लेकिन करियर को उड़ान नहीं मिल सकी। जरीन खान ने 8 साल पहले वीर फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी, जिसमें उनके साथ बतौर लीड एक्टर सलमान खान ही थे। जरीन की पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। जरीन अब तक 11 फिल्मों में काम कर चुकी है, लेकिन उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। इतना जरूर है कि उनकी फिल्मों से ज्यादा सलमान खान के साथ फिल्माया गया गाना मैं कहूँ तो कैरेक्टर ढीला है सुपरहिट रहा। सोनाक्षी सिन्हा इस लिस्ट में दबंग एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी शामिल है। साल 2010 में सोनाक्षी ने सलमान खान के साथ दबंग फिल्म से एंट्री की थी, लेकिन इस फिल्म के अलावा उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा सकी। हालांकि इस फिल्म की फ्रेंचाइजी दबंग 2 सुपरहिट रही थी, लेकिन बाकी फिल्मों ने उनका करियर डुबा दिया। स्नेहा उलाल ऐश्वर्या राय की तरह दिखने वाली एक्ट्रेस स्नेहा उलाल को भी बॉलीवुड में एंट्री सलमान खान ने ही दिलाई थी। स्नेहा की पहली फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव थी, जो साल 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में स्नेहा ने सलमान के साथ स्क्रीन शेयर की थी। न तो यह फिल्म चली और न ही बाकी फिल्में स्नेहा के करियर को उड़ान दे पाई। लंबे वक्त से स्नेहा फिल्मों से दूर हैं। डेजी शाह की बॉलीवुड एंट्री के पीछे भी सलमान खान का हाथ है। डेजी शाह बतौर लीड एक्ट्रेस सलमान के साथ जय हो फिल्म में नजर आई थी। इसके बाद डेजी ने कई सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म उनके करियर को पंख नहीं दे पाई। हालांकि डेजी जल्द ही सलमान खान के साथ रेस 3 फिल्म में नजर आएंगी। अथिया शेट्टी सूरज पंचोली के साथ हीरो फिल्म में नजर आई। अथिया शेट्टी को बॉलीवुड में एंट्री कराने वाले कोई और नहीं बल्कि सलमान खान ही थे। अथिया ने अब तक 2 फिल्में की है और दोनों ही उनके करियर को उड़ान देने में नाकामयाब रही।